सीमा सीमा उठो क्या हुआ चेकअप के लिए जाना है ना सोने दो ना <laughs> उठो अगले हफ्ते चल पड़ते थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या तो हो जाएगा देखा इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल रखना गर्भवस्था के पहले तीन महीनों के अंदर जल्द से जल्द एच की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को एच संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके समय का मोल एच आई कंट्रोल गर्भव्यवस्था की पहली जांच में ही एच टेस्ट जरूर कराएं। नाजरीन आदाब खबरनामे में आपका खैर मकदम है पहले पेशे सुर्खियां पायदार तरक्की और पेशरफ्त के लिए तवील मुद्दती नजरिया अहमियत का हामिल वजर अजम नरेंद्र मोदी कहा रियासतों की तरक्की से अमृतकाल के दौरान मुल्क की तरक्की को भी मिलेगी तकवीयत रवा बरस जम्मू कश्मीर में बैली सयाहों की आमद में इजाफा दर्ज महकमा यूटी के सियाती शोबे को हद हाँ दर्जा फरो देने के लिए कर रहा है हर मुमकिन इकदाम सेक्रेटरी टूरिज्म भारत का सेहत खदमात से मुतलिक मॉडल खदमात की दस्तियाबी न की आदाद शुमार की जमाबंदी पर मबनी वजी सेहत और जी ट्वेंटी के महकम खजाना और मरकजी बैंक के नुमाइंदों की पहली मीटिंग रवा महीने की तेरह से पंद्रह तारीख तक बंगलुरू में होगी मुनदद अब खबरें तफसी के साथ वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रियासतों की तरक्की से अमृतकाल के दौरान मुल्क की तरक्की को भी तकवीत मिलेगी मुल्क में सेहत से मुतलिक बुनियादी ढांचे को मस्हकम बनाने की र से मखसूस एम्स नागपुर को आज आवाम के लिए वक्फ करने के बाद खताब करते हुए उन्होंने कहा कि मस्तकम तरक्की और पेशरफ के लिए तवील मुदती नजरिया अहमियत का हामिल है वाज रहे कि इस अस्पताल का संगीय बुनियाद वजी अजम नरेंद्र मोदी ने ही जुलाई 2017 में रखा था इससे कबल वजीर अजम ने आज सुबह नागपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने नागपुर मेट्रो के पहले मरहले को भी मुल्क के नाम वक किया वजीर अजम ने मेट्रो में सवार होकर तलबा स्टार्टअप शोबे के अफराद और जिंदगी के दीर शोबों से वाबस्था लोगों से गुफ्तु की उन्होंने नागपुर मेट्रो के दूसरे मरहले का संगी बुनियाद भी रखा इस दौरान वजी अजम ने नागपुर और शेररी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले मरहले का भी इफ्त किया महकमे सयाहत के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने कहा है कि सरकार कश्मीर में शोब सयाहत को आलमी सतह पर फरोग देने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है और इस हवाले से महकमे के आला अफसरान ट्रावल ट्रेड पहल के तहत मुख्त्य बैरून ममालिक का दौरा कर रहे हैं आज एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड उन्नीस के हवाले से सफरी पाबंदियों के हटने के साथ ही जम्मू कश्मीर की तरफ आने वाले बैरूनी ममालिक के सया की तादाद में इजाफा दर्ज किया जा रहा है उन्हें उम्मीद जाहिर की कि रवा बर्स सिकियर स्नो बॉर्डर्स और मुहिम जयाना सयाहत से दिलचस्पी रखने वाले बिरूनी ममालिक की सियाह अच्छी खासी तादाद में यहां का रुख करेंगे मौसम ने कहा कि महकमा इस हवाले से कोशा है कि सरमा के दौरान भी यहां पूरी तरह से सियाहती सरगर्मियों का चलन हो और उन्होंने कहा कि इस हवाले से मुख्त स मकाम पर विंटर फेस्टिवल्स का अहतमाम भी किया जा रहा है नाजमे जरात कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज कुपवाड़ा में महकमे के सीनियर अफसरान के साथ एक मीटिंग में मरकजी सरकार की मावनत वाली स्कीमों और फ्लैगशिप प्रोग्रामों की अमलावरी कैपिक्स बजट के तहत माली और अमली हूसूलियाबियों का जायजा लिया उन्होंने कहा कि महकमा जम्मू कश्मीर में जरिए सेक्टर की तरक्की के लिए जाम या मनसूबे की अमलावरी के सिलसिले में बुनियादी सतह पर काम कर रहा है मौसु ने कहा कि रवा बर्स के रबी सीजन के तहत जिले के मुख्तलिफ इलाकों को रबी फसलों बिलखसूस तेल देने वाले फसलों के दायरे में लाया गया है उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीन कि आने वाले खरीफ सीजन में किसानों के लिए मुख्तलिफ अकसाम के बीज वगैरह बगैर किसी तवालत के दस्तियाब रहें। खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं एक फे के लिए जल्दी करो यार प्लीज जल्दी दूसरा कोई मैच है क्या ऐसा ही कुछ है यार बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार उम्र होने आरोप कभी कभी मदद तो लगती है और बैंकिंग में नहीं वैसे भी आर कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले अगर आप सत्तर साल ऐसी ऊपर है और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमत लेकर वो भी वाजिबी शरहों पर। सीनियर सबसे पहले आरबीआई कहता है जानकार बनिए चौक रहिए रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के शूबाई सदर कश्मीर नासिर वानी ने उम्मीद जाहिर की है कि मर्कजी सरकार बगैर किसी मजीद आखिर के यहां चुनाव कराएगी और साथ ही जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा भी बहाल किया जाएगा कुपवाड़ा तो जिले के कुछ इलाकों में अवामी इजमात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा आइनी और जमहूरी असूलों की आबियारी करती आई है और इस जमात ने सदा ही आजाद और मुनफफाना इंतबा अमल में लाए हैं दरिया असना पार्टी के मुआवी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने सूबाई और जिली इंतजामिया से अपील की है कि दूर उफ्तादा और दुशवारगुजार इलाकों में लोगों के लिए हालिया बर्फबारी से पैदा शुदा मुश्किल को दूर करने के लिए बरवत पहल की जाए जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी की एक अली सतही मीटिंग कल जम्मू में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल की सदारत में मुनदद हुई इस दौरान कांग्रेस की तरफ से जारी भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से जम्मू कश्मीर में इंतजाम का जायजा लिया गया मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सबक सदर गुलाम अहमद मीर को यूटी में भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से कॉर्डिनेटर तैनात किया गया है इस दौरान जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों के लिए कॉर्डिनेटर भी नामजद किए गए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुस्तबल में उनकी जमात का जम्मू कश्मीर की फलाह बहबूद और यहां की सियासत में एक कलीदी रोल होगा आज श्रीनगर में एक पार्टी तकरीब के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में आवाम और सियासी जमातों के दरमियान एतमद का फगदान है जो दिन ब दिन ही बढ़ता जा रहा है मौसु ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में उन्हें लगता है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस वो वाहद जमात है जो दयानतदारी के साथ काम करके लोगों के भरोसे पर पूरा उतर सकती है इस दौरान साहब इलाके के मौरू सियासी लीडर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबक उम्मीदवार मंजूर अहमद वारी ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इार की अनंतनाग के तुर्कताचलू गांव में दो कमसिन बच्चों की मुबैना तौर पर हेपेटाइटिस ए नामी बीमारी से मौत वाक हुई है बताया जाता है कि इलाके में हेपेटाइटिस ए के तकरीबन छह के सामने आए हैं मकामी लोगों के मुताबिक नाले विशो का जो पानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो नाकस है और इस बीमारी के फैलने की बुनियादी वजह यही है उन्होंने कहा कि अगरचे सरकार ने दो हजार में यहां फुल फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया लेकिन वो काबिल कार नहीं है इस सिलसिले में महकमे जल शक्ति के एग्जीक्यू इंजीनियर कुलगाम नवाज अहमद का कहना है कि यहाँ के लोगों को जो पानी फराहम किया जा रहा है वो पूरी तरह काबिल इस्तेमाल है तर्कताशलू विलेज है इसमें जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वाटर सप्लाई स्कीम का ये है वाटर सप्लाई स्कीम तर्कताशलू इसमें बाजार बाजब्ता हमारी एक वेल एस्टैब्लिश्ड स्कीम है जिसमें हमारे इनटेक स्ट्रक्चर है हम आपको दिखा भी सकते हैं और उसके बाद प्री सेटलिंग टैंक है प्रेशर फिल्टर है और उसके बाद हमारा जो ओ एच डी है फिर ओ एच डी से हमारा सप्लाई पानी हो जाता है अनफॉर्चुनेट जो केसेस कुछ आ चुके हैं कुछ पॉजिटिव केसेस मेरे सी साहब से भी सुबह बात हुई थी लेकिन उनका ये कहना है कि अभी वो स्टेबल है लेकिन उन पर सर्विलेंस उन पर नजर रख रहे हैं और हम रिग्रेसली देख रहे हैं कि ये एक ही मोहल्ले में क्यों आया है उसकी उसके रूट क्या है उसके कुछ दूसरे कारण मत है तो उसमें हम हम लगे हुए हैं लोग दरियासना डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने भी आज इलाके का दौरा किया उन्होंने कहा कि बीमारी की असल वजूहत का पता लगाया जा रहा है और इस हवाले से खून के नमूने भी हासिल किए गए हैं जबकि पानी के नमूनों की भी जांच कर दी जा रही है मैं अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे भी गया मैंने वहां भी नजर दी कि वाटर सोर्स क्या है यहाँ जो ये हेपेटाइटिस ए का आउटब्रेक हुआ है एट केसेज जो आइडेंटिफाई हुए थे उसमें से चार सिम्टोमेटिक थे जिनको एडमिट किया गया अनफॉर्चुनेटली एक की लास्ट टाइम डेथ हो गई आज की एक हो, एक की हो गई है तो वाटर सैंपल्स हमने भेज दिए हैं और इसके बगैर जो रैंडम हमने ब्लड टेस्ट किए हैं नाइन्टी किए हैं और जो पर्टिकुलर स्कूल में ज्यादा आ रहे हैं वहाँ भी मैं जा रहा हूँ फौज जिला इंतजामिया शोपिया और मकामी लोगों के अशराक से बलपुरा स्टेडियम शोपिया में दो रोजा जश्न चले कलान आज अख्तितम पजी हुआ इस दौरान कश्मीरी कल्चर को उजागर करने के लिए कई प्रोग्राम का अहतमाम किया गया जबकि फोक थिएटर से ताल्लुक रखने वाले फनकारों ने अपने फन का भी मुजाहरा किया फेस्टिवल के पहले रोज कल जिला तरकियाती कमशनर शोपिया सचिन कुमार ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की इस फेस्टिवल में फौज जिला हुकाम और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की फेस्टिवल के दूसरे दिन आज कश्मीरी मौसीकी फोक डांस के अलावा लकी ड्रा वगैरह का भी एहतमाम किया गया कश्मीर सूबे से वाबस्त मुख्तलिफ मुलाजमीन अंजमनों के इतहाद नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने नई पेंशन स्कीम को खत्म करने और पुरानी पेंशन स्कीम को असर नो लागू करने के मुालबे को लेकर आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में पुरम एहतजाज किया इस दौरान सीनियर नायब सदर रफीक मलिक और सूबाई सदर कश्मीर फारूक अहमद मतू ने कहा कि नई पेंशन स्कीम मुलाजमीन के मफाद में नहीं है उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को असर नौ लागू करने के लिए मरकजी हुकूमत वजारती खजाना और एल जे इंतजाम से इकदाम करने का मुतालबा किया चिकराल महिला हब कदल के बाशिंदों का कहना है कि इलाके में मौजूद राशन डिपुओं को माकूल मकदार में राशन फराहम नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से इलाके में रिहाइश पजीर कुछ कुंबों को अभी तक नवंबर महीने का राशन भी फराहम नहीं किया गया है उन्होंने खुराक सिविल सप्लाईज और अमूरी सार्फन महकमे के डायरेक्टर अब्दुलसलाम की इस हवाले से तवज्जो तलब की है और अपील की है कि मजकूरा राशन डिपुओं को राशन का पूरा कोटा फराहम किया जाए ताकि इलाके के सभी सार्फन के लिए राशन की सप्लाई यकीनी बन सके सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजी डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत के सेहत खदमात से मुतलिक मॉडल को मुनफरद करार देते हुए कहा है कि यह मॉडल खदमात की दस्तियाबी यकीनी बनाने न कि आदाद शुमार की जमाबंदी पर मबनी है वाराणसी में दो रोजा नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की इख्तामी तकरीब पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करने के लिए कम्यूनिटी हेल्थ एहलकारों का कलीदी रोल है मौसु ने कहा कि सरकार सभी शहरियों को आसानी के साथ बेहतर से बेहतर तबी खदम दस्तियाब रखने की वादेमंद है और उन्होंने वबस्ते एहलकारों से अपील की कि वो हद दर्जा मेहनत लगन और इंसानी जज्बे के साथ अपने फरज अंजाम दें जी ट्वेंटी के महकमे खजाना और मरकजी बैंक के नुमाइंदों की पहली मीटिंग बंगलुरू में इस महीने की तेरह से पंद्रह तारीख तक होगी वजारत खजाना के मुताबिक इस मीटिंग के साथ ही जी ट्वेंटी की भारत की सदारत के तहत माली अमूर के एजेंडे पर तबाद ख्याल का आगाज हो जाएगा खजाने की वजारत और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुशतरक तौर पर इस मीटिंग की मेजबानी कर रहे हैं इस मीटिंग के दौरान जी ट्वेंटी की भारत की सदारत के तहत माली अमूर से मुतलिक एजेंडे पर तोजह मरकूज की जाएगी इसमें इक्कीसवीं सदी के मुशतरक आलमी चैलेंजों से निमटने की खा बैनी माली इदारों की तनजीमी नौ कल के शहरों के लिए सरमाया सरमा कराने आलमी शहरों पर कर्जों से मुतलिक नाजुक सूरतहाल के बंदोबस्त माली शमूलियत को आगे बढ़ाने पैदावारियत के फायदे आबोहवा की तब्दीली और पायदार तरक्की के मकासद से मुतलक इकदाम के लिए सरमाया फराहम करना है गुजरात में भूपेंद्र पटेल कल लगातार दूसरी मुद्दत के लिए रियासत के वजरा की हैसियत से सेहदे का हलफ लेंगे हलफबरदारी की तकरीब गांधीनगर में हैलीपेड ग्राउंड पर होगी इस तकरीब में वजी अजम नरेंद्र मोदी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वजराला शिरकत करेंगे भूपेंद्र पटेल को कल गांधीनगर में पार्टी मुशाहिदीन और सरकद लीडरों राजनाथ सिंह राजन मुंडा और बी एस येद्युरपा की मौजूदगी में नखब अरकान असम्बली ने बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतब किया मीटिंग के बाद उन्होंने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात की और नई हुकूमत बनाने का दावा पेश किया दरियासना हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सबक सदर और चार बार के मेंबर असेंबली सुखविंदर सिंह सुखू ने आज हिमाचल प्रदेश के नए वजीला जबकि मुकेश अग्निहोत्री ने नायब वजरा की हैसियत से हलफ लिया हलफबर्दारी की तकरीब शिमला के तारीखी अरिज मैदान में हुई काबिना में तोसी बाद में की जाएगी बरतानिया के एक अस्पताल में नई तर्ज की तकनीक का पहली बार इस्तेमाल करते हुए एक नौ उम्र लड़की के जिस्म से नाकाबले इलाज कैंसर को खत्म कर दिया गया है लड़की की ल्यूक्यूमिया बीमारी के इलाज के लिए तमाम दीगर तदबीरें नाकाम हो गई थी लंदन के ग्रेट ऑमंड स्ट्रीट हॉस्पताल के डॉक्टरों ने एक ऐसी तकनीक इस्तेमाल करके हयातियाती इंजीनियरिंग का यह कारनामा अंजाम दिया जो सिर्फ छह साल पहले ही ईजाद हुई है श्रीनगर में जारी हीरोवन लीग के तहत कल श्रीनगर में आर के एफ सी और आर जी पंजाब फुटबॉल क्लब के दरमियान मैच खेला जाएगा मैच से कबल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आर के एफ सी के हेड कोच महराजुद्दीन वडू ने कहा कि मुखालिफ टीम एक अच्छी टीम है लेकिन हमें ये उम्मीद है कि हम बेहतर खेल का मुजाहरा करेंगे इस दौरान आर जी पी एफ सी के कोच ने कहा कि आर के एफ सी के खिलाफ मकामी मैदान पर मैच खेलना कदरे मुश्किल है लेकिन उन्हें यह एतमाद है कि वह कामयाबी हासिल करेंगे हालिया बर्फबारी के बाद बांडीपोरा गुरेज शाहरा एहतियाती तौर तो ट्रैफिक के लिए बंद रहने के बाद आज इस शहरा पर एकतरफा ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई ज़राए के मुताबिक शाहरा पर बर्फ हटाने के बाद मुसाफिर गाड़ियों और जरूरी याजना से भरी गाड़ियों को एकतरफा चलने की इजाजत दी गई तहम मुसाफिरों और ड्राइवरों को सलाह दी गई कि वह इस शहरा पर सफर करने से पहले मुतल एहलकारों से सड़क की सूरतहाल और ट्रैफिक पुलान के बारे में जरूर जानकारी हासिल करें महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले चौबीस घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत दस आशार्य एक डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत तीन आशारिया पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत पच्चीस आशार्य साठ डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत आठ आशार्य नौ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया इसके साथ ही उर्दू खबरों के ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज एट डी डी न्यूज श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्याब हैं इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे अल्लाह हाफिज